स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। और दिल्ली में चुनाव प्रचार जोरों पर है। हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आपको आगे दिखाएंगे कि आज प्रचार के मैदान में कौन दिग्गज कहां उतरेंगे। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली पर सबसे ताजा ओपिनियन पोल की करते हैं। इंडिया न्यूज के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर कुल 30,000 लोगों के बीच ये ओपिनियन पोल निकाला गया है। दिल्ली में इंडिया न्यूज के सबसे ताजा ओपिनियन पोल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। सीएम उम्मीदवारों की बात करें तो इस ओपिनियन पोल में बीजेपी की किरण बेदी सबसे आगे हैं। उन्हें 45.43% से ज्यादा वोट मिलता दिख रहा है, तो केजरीवाल के खाते में 43.84% वोटर है। वहीं कांग्रेस का सीएम चेहरा माने जा रहे अजय माकन को 10.73% वोट मिल सकते हैं। दिल्ली में एक बार फिर त्रिशंकु विधानसभा के आसार बन रहे हैं। सीटों की बात करें तो बीजेपी और उसके सहयोगी अकाली दल को 33 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को भी 33 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को महज 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। एक सीट पर बीजेपी और आप के बीच कड़ा मुकाबला है। अहम सीटों की बात करें तो नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल काफी आगे दिख रहे हैं। यहाँ मुकाबला एक तरफा है। उनके खाते में 80%, तो बीजेपी के खाते में महज 20% वोटर नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी की सीट कृष्णानगर पर कांटे की टक्कर है। किरण बेदी के पक्ष में यहाँ के 51% वोटर है, तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में 47% मतदाता नजर आ रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ उसके पाले में महज 2% वोटर नजर आ रहे हैं। सदर बाजार सीट पर कांग्रेस के अजय माकन बीजेपी उम्मीदवार से काफी पीछे हैं। यहाँ बीजेपी के पक्ष में 72%, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 19%, तो अजय माकन के पक्ष में महज 9% वोटर दिख रहे हैं। केजरीवाल के साथी मनीष सिसोदिया के क्षेत्र पटपड़गंज की बात करें तो यहाँ उन पर बीजेपी के विनोद कुमार बिन्नी भारी पड़ते दिख रहे हैं। उन्हें 63% वोट मिलता नजर आ रहा है। वहीं लक्ष्मीनगर सीट पर बीजेपी के पक्ष में 54%, कांग्रेस के कद्दावर नेता एके वालिया के पक्ष में 33%, तो आम आदमी पार्टी के समर्थन में 13% वोटर है। आम आदमी पार्टी के लिए अहम मानी जा रही सीट मालवीय नगर की बात करें तो यहाँ से उसके उम्मीदवार सोमनाथ भारती आगे दिख रहे हैं। उनके पाले में 58%, तो बीजेपी के पक्ष में 10% और कांग्रेस के समर्थन में 32% लोग दिख रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता जगदीश मुखी के इलाके जनकपुरी की बात करें तो वो यहाँ से आगे दिख रहे हैं। उन्हें 52%, आम आदमी पार्टी को 38% और कांग्रेस को 10% वोट मिलता दिख रहा है। वहीं हाई प्रोफाइल मानी जा रही ग्रेटर कैलाश सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी मुकाबले में पिछड़ती दिख रही है। उनके समर्थन में महज 1% वोटर दिख रहे हैं, तो बीजेपी उम्मीदवार को 45% और आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को 54% वोट मिलता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।